हरियाणा में बीजेपी का चुनाव अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी शहरी क्षेत्रों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। साथ ही हिसार के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री, पूर्व डेप्यूटी मेयर, पूर्व मंत्री छत्रपाल, रणजीत परिहार समेत अन्य नेताओं के घर पहुँचे, जहां उन्होंने डीसी कॉलोनी, अर्बन स्टेट और मॉडल टाउन के लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि रणजीत चौटाला को अपार जन समर्थन मिल रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो वो एक फ्यूज बल्ब है जो कि किसी भी काम की नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसानों के हित में काम हुए हैं, इन 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं। आज उसका परिणाम है कि आज हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 25 मई को बहुत भारी संख्या के अंदर मतदान होगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, ये हरियाणा ने तय कर दिया। मुख्यमंत्री जी, कल आपने जनसभा में कहा था कि जो अधिकारी काम नहीं करे 4 जून के बाद उन अधिकारियों को खैर नहीं, इसके मतलब? बिल्कुल, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए आता है, अगर वो चक्कर काटता है, वो चक्कर ना काटे, उसका काम करें। अगर किसी ने आकर के मेरे को शिकायत की थी कि मैंने चक्कर काटे हैं, तो अधिकारी ही चक्कर काटे। आज पानीपत की पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्य से भाजपा की, और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई थी उनसे, और कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं आजकल मेरे ख्याल से कांग्रेस को पूरी करने में लगी हुई है, और कांग्रेस की हालात ऐसी है आजकल, जैसे वो एक लट्टू होता है ना, 10 रुपए का आता था पहले, और वो अंदर से फ्यूज हो जाता था, और फ्यूज हो करके फिर उस तार को लगाते थे भी चलो ये चल जाए थोड़ा बहुत, बस वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूज बल्लभ है कांग्रेस पार्टी, और इसके पास जन का विश्वास ये खो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार अपने समय में जनता के ऊपर किया है, लोगों के ऊपर किया है, लंबे समय तक 55-60 साल कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है, और 55-60 सालों में गरीब व्यक्ति को गरीब करके रखा, देश की समस्याओं को समस्या बना करके रखा, और आम लोगों को प्रताड़ित करके रखा, विकास की गति को धीमे करके रखा, ये कांग्रेस की सोच रही है। परंतु मोदी जी के समय में हर जन का विश्वास वो बड़ा है। दुनिया में अगर कहीं भी कोई व्यक्ति भारत का बैठा है, आज उसको लगने लगा है कि मोदी भारत में है और हम सुरक्षित हैं, हम मजबूत हैं, आज भारत भी मजबूती से आगे बढ़। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 सालों में लोगों को सिर्फ अत्याचार किया है, जबकि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, इसलिए चुनाव में भाजपा का जीत लगभग तय है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।